और सैटरडे को स्कूल्स ऑफ होंगे, और ये स्कूल ऑफ होंगे और ये जो जितनी जो हम फैसले कर रहे हैं ये लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल और सरगोधा डिवीजन के लिए होंगे, क्योंकि इन 6 डिवीजन पे इसका इम्पैक्ट काफ़ी बुरा आया हुआ है। उसके बाद जो एक और चीज़ जो हम करने जा रहे हैं, जो आज इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है ऑलरेडी, जिस तरह लास्ट में हमने टावर्स का MOU फाइनल कर लिया है और लाहौर में टावर्स लगेंगे ताकि स्मॉग को साफ़ किया करें हम, एक और चीज़ जो हम करने जा रहे हैं वो 10,000 स्टूडेंट्स को सब्सिडी पे मोटर बाइक्स देंगे। उसके लिए हमने एक कमेटी बना दी है जो जितनी जल्दी फाइनल कर सकेगी अपनी सजेशंस करके कैबिनेट में देगी। तो इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं, 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स स्टूडेंट्स को हम सब्सिडी पे देंगे जो इस इलाके से सफ़र कर रहे हैं स्मॉग को। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए भी ऑलरेडी CS ने सजेशन दी है और सबका ये मुतफ़ा का ख्याल है कि उनको भी लीज़ पे मोटर बाइक्स दें ताकि वो लोग भी अपना प्रेफर करें कि मोटर बाइक्स पे आएँ। तो ये दो चार चीज़ें हैं। उसके अलावा 29 नवंबर को लाहौर वाली साइड पर अगर बादल आए जो आर्टिफिशियल रेन के लिए मौजू हुए, साजगार हुए, तो हम कोशिश करेंगे कि आर्टिफिशियल रेन करें, बट उसके लिए अभी हमारे बहुत पीछे हैं, हमें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन उसके लिए क्लाउड भी एक स्पेसिफिक तरह का चाहिए, उसके बाद आप वो रेन कर सकते हैं। तो उसके ऊपर भी हम तैयारी शुरू कर दी है हमने अभी थोड़ी देर में ही। सेक्रेटरी इन्वायरमेंट और मिनिस्टर इन्वायरमेंट और कमिश्नर लाहौर जो है उसके लिए जा रहे हैं, तो हम इंशाल्लाह उसके लिए भी कोशिश करेंगे कि हम अगर पॉसिबल हुआ तो वो रेन कर लें। मार्केट्स हम बिल्कुल बंद करने के हक में नहीं है, इसलिए हम ये फैसला कर रहे हैं कि मार्केट फ्राइडे और सैटरडे को 3 बजे खुलेंगी और रात तक वो खोल लें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन 3 बजे खुलेंगी। किसी बिजनेसमैन का किसी का नुकसान नहीं चाहते, लेकिन इस टाइम माहौल के हिसाब से उनको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। फ्राइडे वैसे ही जुमे का दिन होता है, तो हम संडे को पूरी मार्केट्स हर तरह की वो क्लोज होगी, वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स तमाम 6 डिवीजन में इंश्योर करेंगे कि संडे को हर तरह का कारोबार बंद हो। रेस्टोरेंट्स भी इस तरह 3 बजे फ्राइडे सैटरडे को खुलेंगे, ऑफिसेज फ्राइडे को खुले रहेंगे लेकिन सैटरडे को 3 बजे के बाद वो खोल सकते हैं, सुबह में वो ना खुलें, क्योंकि आप लोगों ने नोट किया होगा कि AQI लेवल जो है वो सुबह में ज़्यादा होता है, दोपहर में वो कम हो जाता है, तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको तोड़ लें। उसके बाद हम जो सड़कों पर पानी का छिड़काव कर रहे हैं वो भी डबल करने का फैसला किया है। उसके लिए लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन, वासा, PHA, LWMC मिल के इसको आज से शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। और आखिरी चीज़ एक सिंबॉलिक चीज़ है, लेकिन सबका फैसला है कि संडे के दिन मार रोड सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक साइकिलिंग के लिए होगी सिर्फ। आप मेन मार रोड उससे गुजर सकेंगे साइडों से जो उसको क्रॉस कर रही हैं, लेकिन मेन मार रोड सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक सिर्फ साइकिल वालों के लिए खुली होगी। तो आप लोग वहाँ पे साइकिलिंग भी कर सकते हैं और साइकिल पे आके अपना अपना अगर किसी ने कहीं जाना है तो वो जा सकता है। तो ये इस संडे के लिए चंद चीज़ें सिम्बॉलिकली हैं, चंद चीज़ें लॉन्ग टर्म हैं, चंद चीज़ें हैं कि इस जो अभी पीक आई है उसको तोड़ने के लिए, बाकी हम कोशिश सारे मिलकर पूरी कर रहे हैं। मास्क प्लीज़ पहन के रखें ताकि आपको सेहत के ऊपर वो कम से कम आपकी ख़राब करे। इस टाइम डेफिनेटली AQI लेवल ज़्यादा है और इसकी बेसिक रीज़न जो है वो इंडिया से हवा चल रही है और उनकी जो बर्निंग है उसकी वजह से ये सारा कुछ हम सफ़र कर रहे हैं। तो हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि इसको जितना मिनिमाइज़ कर सकते हैं करें। थैंक यू।